हेलो फ्रेंड्स, आई एम माधव। कैसे हो आप लोग? सभी लोग बढ़िया हो? तो आज हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने इस कंटेंट को अभी जस्ट यहाँ पर लिखा है। इसको आप समझने की ज़रा कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है, ठीक है? कभी आपको पूछेगा रूट टू को रेशनल प्रूफ करो, ठीक है? कभी रूट थ्री को, कभी रूट फाइव को, इलेवन को, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट हैं जो आते हैं एग्जाम में, उसकी भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। बट पहले हम इसे देख लेते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल याद रखना कि अगर इसे आप समझ गए, ठीक है, अगर इसे आप अच्छे से समझ गए, तो एकदम गारंटी के साथ बताता हूँ मैं कि अब आपको चाहे यहाँ पर रूट टू के अलावा रूट थ्री आ जाए, रूट फाइव आ जाए, रूट सेवन आ जाए, तो आपको बस कुछ नंबर्स चेंज करने हैं और सारे के सारे प्रोसेस वही हैं। बट हमें रटना नहीं है, हमें इसको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इसमें मैं कि आखिर यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा, आखिर यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है छूट जाए, आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है? कि रूट टू एक इरेशनल नंबर, हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि हाँ इरेशनल है, बट अब हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने माना कि रूट टू क्या है, एक रूट टू को हम एक रैशनल नंबर मानेंगे। कैसा नंबर मानेंगे हम? रैशनल नंबर मान के चलेंगे हम, ठीक है? और आखिरी में हम इसको रैशनल नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो फिर बोलेंगे भाई साहब हमसे प्रूफ नहीं हो पाया, इसलिए यही रैशनल है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है? कि जो चीज हम प्रूफ करना जो हमें उसके अगेंस्ट हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है? अगर ये मार्कर है तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये पेन है, और पेन नहीं प्रूफ कर पाया तो हम बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ये मार्कर है, ठीक है? सेम ऐसे हम इसे भी क्या करेंगे, रैशनल नंबर प्रूफ करेंगे। पहले रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमें पता है, ठीक? और अगर हम उसको रैशनल नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो हम बोलेंगे कि सॉरी फॉर That thing, ठीक है? I am wrong. This number is an irrational number, ठीक है? तो चलो, हमने लिखा यहाँ पे कि हमने सपोज कर लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर, सही सुना आपने, ठीक है? अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a by b या p by q के फॉर्म में है ना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सो वी कैन राइट दिस रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। अब यहां पर समझना, ए बाई बी लिखा हूं, मैंने ए बाई बी लिखा है, तुम पी बाई क्यू लिख लो, ए से लेके जेड तक जो भी नंबर तुम्हारे अंदर आए वो लिख दो, ठीक है? मैंने ए बाई बी इसलिए लिखा क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर बुक्स में यही लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इसलिए हमने बी के फॉर्म में लिख दिया कि रूट टू अगर रेशनल है तो ए बाई बी के इक्वल होना चाहिए ये, ठीक है? अब यहां पर a और b क्या है भाई? a और b इंटीजर हो सकता है, ठीक है? है इंटीजर ही है। और साथ मैंने यहां पर लिखा कि a और b को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। रेशनल नंबर का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो को प्राइम भी होते हैं आपस में। कैसे? जैसे अगर कोई भी नंबर हो, 8/6 किया तुमने, कट किया इसको, 2/4 जा 2/3 जा, देखो 4 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो अब ये जानने की जरूरत है कि को प्राइम होता क्या भाई। को प्राइम का मतलब ये होता है कि कोई भी दो नंबर, को का मतलब दो, ठीक, कोई भी दो नंबर विच हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब कोई भी एक दो नंबर जिसके पास जो है वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, उन्हें हम आपस में क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि दो प्राइम नंबर ही आपस में लेकर के आओ तभी वो को प्राइम होंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहां पर नंबर क्या लिखा था, 8 और 6 लिखा था, कट किया था कितना आया था, 4/3। 4 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है 4, ठीक है? प्राइम का मतलब पता होगा सभी को कि विच हैज ओनली टू फैक्टर, केवल दो फैक्टर होना चाहिए। 4 के पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 फैक्टर्स हो गए इसके। मीन्स 4 तो प्राइम नंबर नहीं है बट 3 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों को जब आपस में लेके हम चल रहे हैं तो दोनों को प्राइम जरूर है, ठीक है? तो हमें a और b यहां पे जो नंबर हमने लिया है
वो को प्राइम नंबर है। एकदम हमें इसी को याद रख के चलना है, इसको ही याद रखना है कि ए और बी कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए मतलब ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए अदर देन वन। वन तो सबको डिवाइड करता है, अगर वन के अलावा कोई और नंबर को डिवाइड करेगा तो ये नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे, और को प्राइम नहीं होंगे तो रैशनल नहीं होंगे, रैशनल नहीं होंगे तो कौन होंगे, ये इरेशनल, यही हमें प्रूव करना है। चलिए आइए देखते हैं। आपने क्या किया, इस नंबर्स को हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसको स्क्वायर किया। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट टू रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, केवल टू बचा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है चीजें, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, मैंने साफ साफ बिल्कुल लिखा है, क्लियर देख लो सभी लोग, ठीक है। हमने इसको कर दिया, अब करना कुछ नहीं है, हमने क्या किया बी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है कि ये हम करें ही तभी इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। हमने बस इसको इसलिए लिखा ताकि हमें समझ में आए कि अगर यहां पर टू, देखो जरा टू जो है बी स्क्वायर किसमें है, ए स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है ऐसा, ठीक है। लेकिन हम यहां से कह सकते हैं ना कि इस नंबर को जो है टू डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि देखो किसी भी नंबर में अगर टू का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होगा। इसका मतलब टू बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड कर रहा है, और ये नंबर ए स्क्वायर इसके इक्वल है, इसका मतलब कि ये टू ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना, ठीक है। तो मैंने वही इसीलिए यहां पर लिखा कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि टू बी स्क्वायर को भी टू डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब देखो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ये टू इवन नंबर है, इवन नंबर का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, इवन या ऑड में नंबर में से क्या आ जाता है, इवन ही आता है, ठीक है। और इवन नंबर है तो टू से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब यहां पे एक चीज मैंने लिखा है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। और यहां पर एक थ्योरम है कि अगर कोई भी नंबर, मान लो कि एक नंबर पी है और एक नंबर ए मान रखा है यहां पर, ठीक है, कोई नंबर पी है, लेट अ प्राइम नंबर ए एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी लेट पी बी एन प्राइम नंबर एंड ए एन इंटीजर, ठीक है, कोई इंटीजर है। अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, इसका क्या मतलब है, ये जरा देखो लिखा हुआ है, यदि मान लो फोर के स्क्वायर को टू डिवाइड करेगा, करेगा तो फोर को भी ये टू डिवाइड करेगा, समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो यही यहां पर लिखा हुआ कि अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब स्क्वायर वाले को तो डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर फोर के स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो फोर को भी टू डिवाइड करेगा, यही तो कहने का मतलब है। फोर का स्क्वायर कितना होगा, 16, टू एट या 16 डिवाइड हो गया, टू फोर जा टू टू जा फोर, ये भी डिवाइड हो गया, मतलब टू अगर फोर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू जो है फोर को भी करेगा, तो टू जो है ए को भी करेगा, यही लिखा हमने यहां पर, समझ बात आ गई है, ठीक है। चलिए इसका मतलब कि अगर, तो चलिए अगर टू ए को डिवाइड करे तो चलिए सकते हैं ना कि ए डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो अगर हम ए को टू से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो आंसर आएगा, उसी आंसर को हमने क्या मान लिया कि मान लो कि कोई आंसर सी आ गया, तो सी भी क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, तुम डी मान लो, ई मान लो, एफ मान लो, जो मानना हो इस ए बी सी डी में मत फंसा करो, ठीक है। यहां पे सी हो गया, अगर ये सी हो गया तो ठीक है, हमने क्या किया इधर टू में सी का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा नंबर, ए इक्वल्स टू टू सी बन गया ना, ये जी समझ गए, इसको इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसे हटा देता हूं। तो यहां पर ए इक्वल टू सी हो गया, ये मल्टीप्लाई करने पर सी क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर को, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये अब आंसर नहीं पता क्या आएगा। अब आ जाओ हम इसी ए की जगह, ठीक है, ए की जो वैल्यू है, क्या है ए की वैल्यू, टू सी, उसको हम पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, एक जगह क्या पुट कर देंगे हम, 2c, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, एक चीज हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है कि a जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब जो है a का एक फैक्टर 2 मिल चुका है हमें, ठीक है।
अगर B का भी एक फैक्टर में 2 मिल गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, और दोनों कॉमन हो गए तो कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। नाउ हमने लिखा 2b square, a square की जगह, मतलब a की जगह हम क्या रखेंगे, 2c रखेंगे, 2c रखोगे तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, हमने 2c का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ 2b square 2c का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल करने आता है ना, 2 इधर देखो कैसे होता है, ये लिखा हुआ है 2b square equals to 4c square, कैंसिल कैसे होता है, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो b square equals to 4c square divide by 2, 2 2 जा 4, तो आ गया ना b square equals to 2c square, समझ में आइए, तो वही यहां से लिखा है हमने b square equals to 2c square, ठीक है। फिर हम उसी कंडीशन पर आ गए, जैसे यहां पर था 2b square equals to a square, यहां b square equals to कितना है 2c square, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर हमने कहा था कि 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, तो 2 a को भी करेगा, यहां पर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, 2 जो b स्क्वायर को क्यों कर रहा है, क्योंकि 2 जो है 2c स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, c कोई भी नंबर हो ये इवन नंबर होगा, और इवन नंबर को 2 हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है, क्योंकि ये इस नंबर की इक्वल है, तो इसका मतलब इसको भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 इज आल्सो डिवाइड्स b, वही जो हमने थ्योरम बताया कि अगर जो है 2 जो है 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, तो वही हमने यहां पर बताया। अब इतनी चीजें आप समझ में आपको आ गए, ठीक है। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, मैं यहां पर उसको जल्दी से लिख देता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं। इससे हम सीधे क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन क्या था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, मींस कि इन दोनों के जो है कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है अदर देन वन, इट हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, बट हमारा कॉन्ट्राडिक्शन लास्ट में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, ठीक है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, हेंस प्रूफ। यही आपको करना है ओवरऑल सब्जेक्ट है, और मैं तुरंत इसी में रूट थ्री के लिए बताना चाह रहा हूं, तुरंत समझ जाओ कैसे करना है, रूट थ्री और फाइव कुछ भी हो, आया कि रूट थ्री रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है, सीधे वही लिखना है, रूट टू रूट थ्री भी है रेशनल नंबर, यहां पर आपको क्या करना है, रूट थ्री यहां पर थ्री, ठीक है, यहां पर भी थ्री, यहां पर थ्री, यहां पर थ्री, समझ में बात आ रही है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे, इधर जब आओगे यहाँ पर थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, लेकिन यहाँ पर थ्री का स्क्वायर क्या कर देना है, नाइन, ठीक है, अब कट करोगे थ्री थ्री जा नाइन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, बस कुछ नहीं करना, बस थ्री थ्री चेंज कर देना, बाकी सारे के सारे क्या हैं, वही चीज़ें हैं, ठीक है। फाइव हुआ सारी जगह फाइव, यहाँ पर थ्री सी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब ये डिवाइड करेगा मतलब थ्री डिवाइड कर रहा है ए बाई थ्री, तो यहाँ से फिर अगेन थ्री सी, समझ में बात आ गई, समझ में आ गई बात, सब कुछ समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें हो जरूर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। मैं फिर से अगर बताना होगा तो मैं रूट थ्री के लिए भी ला करके एक वीडियो आपको इसके लिए समझा दूंगा अच्छे से, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।